हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो थोड़ा दुखद रहने वाला है क्योंकि मेरी बेटी जो कि 4 इयर्स की है उसे एक ब्लैक डॉग ने काटा है। इंटरेस्टिंग बात, वही ब्लैक डॉग ने आद्या को 1-1.5 ईयर पहले उसी ब्लैक डॉग ने आद्या को काटा था। तो सेकेंड टाइम उसी डॉग ने आद्या को काटा है, तो वो डॉग बाहर ही घूम रहा होगा। तो उस डॉग का भी थोड़ा वीडियो अगर हो सके तो आपको दिखाऊंगा। घूम रहा होगा, ओ यहीं पे, ओके, यही डॉग ने आते हुए काटा था। थोड़ा प्रॉब्लम बेटा सर, ये तो दाग थे, ये पहले का काटा हुआ दाग और ये रिसेंटली काटा हुआ। कसा लागि रहा था? ओके, हॉस्पिटल जानु पर्छ ल, इन्जेक्सन लाउनु स्कुल गइसकेर। ल के हुन्छ नानी, इन्जेक्सन लायो भने के हुन्छ भन्देउ त? अलिकति दुख्छ अन्त जाच भइहाल्छ। ओके, गुड गर्ल। तो अभी मैं आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल नहीं है पानीघट्टा में, तो नक्सलबाड़ी जाना पड़ेगा। तो अब जाएंगे हम नक्सलबाड़ी। अभी हम निकल रहे हैं नक्सलबाड़ी की तरफ, जो 15 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है पानीघट्टा से। तो नक्सलबाड़ी हॉस्पिटल में जाके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके विल चेक फॉर रेबीज वैक्सीनेशन इंजेक्शन। मैं आ चुका हूँ नक्सलबाड़ी हॉस्पिटल। तो ये नक्सलबाड़ी रूरल हॉस्पिटल, तो यहीं पे विल आस्क कहाँ पे होगा ये रेबीज का वैक्सीनेशन, एंड देन विल डू वैक्सीनेशन लगाएंगे। तो लेट्स गो, लेट्स गो। यताबाट बन्द रहेछ त अन्त? ओ माई गुडनेस, यताबाट होला। ओके, आगे से तो इस साइड से तो बंद है, शायद उस साइड से जाना पड़ेगा। इस साइड से खुला है, एंड वी कैन गो। शॉर्ट वी लास्ट समवन, तो पूछेंगे किसी से, एंड देन वील ट्राई टू गेट हर रेबीज वैक्सीनेशन डन। आप क्या AA DYA क्षेत्री CHHETRI? फोर इयर्स 3 मंथ्स। हजुर, पहिला यहाँ जानु, दुई नम्बरमा जानु पहिला। डक्टरको डक्टर कहाँ हुनुहुन्छ? ए ल, हजुर हजुर, ओके ओके, थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। ओके, तो एडवाइस अच्छा दिया, पर्ची कट गया। सो तो अब अगर लड़का का ज़्यादा लाइन रहा तो मैं रहूँगा, कम रहा तो मैं जाऊँगा, अगर लड़के कम रहा तो मेरी मिसेज से आएगी। सो लेट्स सी, पर्ची तो है मेरे पास। ओके, मेल को, अच्छा तो लड़का का थोड़ा कम है, तो लड़का नहीं जाऊँगा, केटी को पूरा भेजी रहे। हेलो, हेलो, कस्तो लागिरहेछ? कस्तो लागिरहेछ? डर लाग्दो छ? पाकिस्तानी इन्डस्ट्री तो क्यों में लग रहा हूँ। सो लेट्स सी। वो नाम क्या था दीदी? हो गया है, तो इमरजेंसी में जाएंगे और इसका वैक्सीनेशन कराएंगे।
मैं अंदर थोड़ा आत्या का मोमेंट कैप्चर करना चाहता था, लेकिन द डॉक्टर चेज्ड मी आउट, बोला कि हॉस्पिटल के अंदर वीडियोग्राफी मना है, तो राइटली सो, एक्चुअली मना है, सो अपोलोजाइज किया और मैं बाहर निकल गया। तो आद्या और उसकी माँ अंदर है, इंजेक्शन लगने वाला है, तो देखेंगे अब कैसा हालत में होगा आद्या। सो आद्या का वैक्सीनेशन हो गया है और हैप्पी है आद्या। दुखियो 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 ना, शी सेइंग शी इज इट्स नॉट पेनिंग, सो गुड फॉर अस, लेट्स हेड बैक होम, घर जाएंगे। हाँ क्या खाने? ओके ठीक है, ओके ओके, बैक होम आफ्टर टायरिंग डे। तो आज 18 तारीख को उसका 2 इंजेक्शन लगा, तो 3 दिन बाद 21 तारीख को लगेगा, और फिर 25 तारीख को, और फिर 16 मई को लगेगा। तो ये शेड्यूल रहेगा रेबीज़ का वैक्सीनेशन आद्या का, तो हमें वहीं पे जाना होगा। आसानी होता अगर यहीं लोकल हेल्थ सेंटर में वो हो जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं होगा और मुझे नक्सलबाड़ी ही जाना पड़ेगा। तो आज का दिन हेक्टिक रहा, लेकिन ग्रेटफुल दैट वैक्सीनेशन नक्सलबाड़ी मेडिकल हॉस्पिटल में मिला, सो वेरी गुड। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द वे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो इट वॉज ओवरऑल गुड। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।